केजरीवाल सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को घूसखोरी और पद के दुरुपयोग के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने एक निजी कंपनी को गैरकानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए और करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। इस मामले में सीबीआई ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के प्रधान सचिव को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सरकारी ठेकों में धांधली समेत भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार को 50 करोड़ के कंप्यूटर घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। सभी आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घुसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रधान सचिव की गिरफ्तारी को सरकार को अस्थिर करने की साजिश कह रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है। पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजेंद्र कुमार जी से इतना ज्यादा लगाव ये आम आदमी पार्टी का क्यों है। ये भी लोगों को पता था कि कुछ उनके अगेंस्ट विजिलेंस इंक्वायरीज थी, तो ये तो सीबीआई की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप है। ऐसे कई अधिकारी होते हैं जिन पर कार्रवाई होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि राजेंद्र कुमार में ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी उन्हें बचाना चाहती है। आखिर कौन है राजेंद्र कुमार? दिल्ली से आईआईटी की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र कुमार 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल फरवरी में राजेंद्र कुमार को प्रधान सचिव बनाया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर 15 दिसंबर 2015 को छापेमारी की थी। राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का केस दर्ज किया गया था। दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व सचिव आशीष जोशी ने एसीबी चीफ एमके मीणा को चिट्ठी लिखकर राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच की मांग की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।